किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तसर कीट को बीमारियों से कैसे बचाएं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है तसर अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है तसर कीट को बीमारियों से कैसे बचाएं, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि तसर कीट में कौन सी बीमारी लगती है और उसकी शुरुआती लक्षण क्या है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि तसर रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि पूरे देश में 3.5 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। तो इसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें सबसे प्रमुख बीमारी आती है वो पेब्रिन रोग का आता है, और दूसरा बीमारी सबसे प्रमुख बीमारी है जो कि वायरस जनित जो रोग होते हैं उनके द्वारा जो बीमारी फैलती है। तो कभी कभी अगर इन रोगों का प्रकोप बहुत अत्यधिक हुआ तो लगभग 60 से 70% नुकसान इन दोनों बीमारियों को लेकर के हो जाता है, और किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह तो अब सबसे प्रमुख बात आती है कि शुरुआती दौर में हमारे कृषक बंधु कैसे पहचानेंगे कि उनके कीट में बीमारी लग चुकी है, और लग चुकी है तो उसका निदान कैसे करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि तसर के जो कीट पालन का कार्य प्रारंभ होता है आपको जुलाई के महीने में, लेकिन अगर इन बीमारियों से आपके तसर कीट को बचाना है तो यह कार्य आपको अभी से प्रारंभ कर देना होगा। यह सबसे उचित समय है, क्योंकि जून जुलाई का जो महीना है यह बीमारियों से बचाने के लिए उसके पहले की क्या क्या तैयारी करनी है उनके लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे सबसे पहला कार्य बताएंगे कि इस समय पे जहाँ पे कीट पालन प्रक्षेत्र है, जैसा किसान भाई जानते हैं अर्जुन आसन के पौधों पे प्राय हम कीट पालन करते हैं, तो अर्जुन आसन के पौधे के आसपास जो साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई में जैसे है कि वहाँ की घास हटा दें, सो दैट अभी सनलाइट बहुत तेज़ है, टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं उनका ग्रोथ वहाँ पे कम हो जाएगा, साथ ही बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं उनका भी प्रकोप कम हो जाएगा। दूसरा है, इसके साथ साथ जहाँ पे कीट पालन करना है, जैसा कि हम ग्रेनेज हाउस में भी देखते हैं, प्लस इसके साथ साथ हमारे प्रक्षेत्र में जहाँ पे कीट पालन प्रक्षेत्र है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव कर दें। 9 भाग आपको लेना है चूना, 1 भाग ब्लीचिंग पाउडर ले करके उसका छिड़काव आपके कीट पालन प्रक्षेत्र में कर देना है। इसके बाद जो व्यवस्था आती है कि कीटों के बीमारियों को कैसे पहचानें, तो सबसे पहली बीमारी जो होती है पेब्रिन रोग का होता है। तो पेब्रिन रोग में अगर हम देखेंगे तो पेब्रिन रोग में एक कीट के ऊपर, तसर कीट के ऊपर एक छोटा छोटा स्पॉट्स आ जाता है ब्लैक कलर का, जिससे हम पहचान लेते हैं कि इसमें पेब्रिन रोग लग चुका है। तो ऐसे कीट को कीट पालन प्रक्षेत्र से हटा करके तत्काल उसको जला दें, या तो 3 फीट नीचे गड्ढे को खोद करके उसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना डाल करके उसको ढक दें, सो दैट वो बीमारी दूसरे कीटों में नहीं पहुंचेगी। दूसरा एक होता है वायरस जनित रोग होता है, वायरस जनित रोग भी किसान भाइयों बहुत ही घातक होता है, और इससे कभी कभी पूरी की पूरी फसल समाप्त हो जाती है। तो वायरस के रोग में क्या है कि जब भी आप आर्द्रता वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है उस समय बीमारी काफ़ी प्रकोप में आती है, इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता है और आपके कीट पालन प्रक्षेत्र में आप देखेंगे कीड़ा आपका उल्टा लटक जाता है। प्रायः इस बीमारी का प्रकोप 5वीं अवस्था में होता है, जिस समय किसानों के लिए कुछ करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, और उस समय पे हमको क्या करना है कि जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे यहाँ जो औषधि है, जैसे शुरू से ही अगर आप देख रेख का कार्य करते हैं, ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव करते हैं, साथ ही साथ अपने कीट पालन प्रक्षेत्र में एक LSM होता है, एक दवा होती है हमारे यहाँ लीफ सरफेस माइक्रोब्स, उसका छिड़काव पत्तियों पर करना होता है। दूसरी एक दवा है जीवन सुधा, जीवन सुधा के प्रकोप से भी आप काफ़ी जो बैक्टीरिया जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, इनसे काफ़ी हद तक आप बचाव कर पाते हैं, क्योंकि जीवन सुधा में एक ऐसा हमारा अवयव होता है, जैसे आप देखिए भूमि आला, चिरैता, हाँ ये सब चीज़ें होती हैं उससे मिले हुए, उससे उसके छिड़काव से काफ़ी हद तक बीमारियों का बचाव हो जाता है, बीमारी कम लगती है और किसान भाइयों का अच्छे से अच्छे कोसे का उत्पादन होता है।